दोस्तों आज हम जिस प्रोजेक्ट में आपको लेके आए, ये बेसिकली हमारा 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट है जो कि जीरकपुर की लोकेशन पे है। S+4 का कॉन्सेप्ट है, विद लिफ्ट है, गेटेड सोसाइटी है। दोस्तों अब हम आ गए अपने उस फ्लैट के अंदर जिसका मैं आपसे बाहर डिस्कस कर रहा था। तो ये हमारा एक्चुअल फ्लैट है। एक बार मैं आपको इस फ्लैट के बारे में बताता हूँ। हमारी एंट्रेंस जो मेन है वो यहाँ से होती है। ये आपका स्मार्ट की लॉक है, आप देख सकते हो। ये यूनिट जो है हमारा लिफ्ट के साथ है, लिफ्ट आपके सामने लगी है। S+4 का ये कॉन्सेप्ट है। एंटर करते ही आप यहाँ से स्मार्ट सेंसर की डालोगे तो उससे आपका ये लॉक खुल जाता है। लॉक के साथ ही जैसे हम एंटर करते हमारे इस साइड ये हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है। ड्राइंग रूम की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखोगे इसमें तो इसमें आपको टेंटेटिव 8 से 10 बंदों की सिटिंग नज़र आ रही है। तो खुला आपका ड्राइंग रूम है। और इस ड्राइंग रूम के साथ ही आपका सामने ये बालकोनी है जो आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ से आप फ्लैट्स भी देख सकते हो जो उसके सामने फ्लैट्स हैं। तो एक बार मैं इस फ्लैट की आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ, वैल्यू इसकी, क्यों आपको ये फ्लैट लेना चाहिए। पहली चीज़ तो क्या है कि ये जीरकपुर के अंदर इसकी लोकेशंस हैं। अगर मैं बात करूँ जीरकपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ से जो PR7 है 400 मीटर के डिस्टेंस पे, हम दो कनेक्टिविटी हमारी PR7 से है और 4 किलोमीटर के रेडियस में हम पंचकुला एंटर कर जाते हैं। और एक एंट्री इसकी जो है अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे के वहाँ से भी है, गाजीपुर रोड से। आप हार्डली 1 किलोमीटर अंदर आओगे तो आपको ये प्रोजेक्ट हमारा मिल जाता है। S+4 का ये कॉन्सेप्ट है। S+4 का कॉन्सेप्ट है जिसमें कि विद लिफ्ट ये फ्लैट्स हैं। 1900 स्क्वायर फिट का ये फ्लैट है जो आप देख सकते हो। और इसमें जो है वो ये है कि आपको जो पार्किंग है, एक आपको कार पार्किंग जो है वो इस फ्लैट के साथ मिलेगी। अगर आप एडिशनल लेना चाहते हो तो वो आपको परचेज करनी पड़ेगी। और कुछ हमारी पार्किंग जो है वो गेस्ट पार्किंग रहती है, तो आप गाड़ी नीचे भी लगा सकते हैं और एक गेस्ट पार्किंग में भी लगा सकते हैं। विद लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है। सो अब इस फ्लैट को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा ड्राइंग रूम आ गया। ड्राइंग रूम आप देख सकते हो। इसमें आपको ऊपर जो आप वॉल सीलिंग देख रहे हो ये आपको एज इट इज़ मिलेगी। बाकी जो ये सोफे वगैरह ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारा सेमी फर्निश्ड फ्लैट है। तो यहाँ पे आते ही ये ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग रूम के सामने ही आपका ये आपका डाइनिंग हो जाता है। ये देखो फ्रूट इतने अच्छे लग रहे हैं, दिल कर रहा है कि खा लिए जाएं, बट ये थर्माकोल के फ्रूट्स हैं। तो ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया। इसमें आप देखो 6 पर्सन की सेटिंग है, लेकिन आप इसमें 10 बंदों की सेटिंग बना सकते हो। इसके साथ ही मेरे राइट हैंड साइड में ये आपका पूजा रूम आ जाता है। इसको आप पूजा रूम बना सकते हो, इसको आप स्टडी रूम बना सकते हो, इसको आप अपना स्टोर बना सकते हो, जो आपके मन में आया बना सकते हो। बट छोटी सी स्टोरेज हमने इस फ्लैट में दी हुई है। ये सारा इंटीरियर देख सकते हो जो आप ऊपर शैंडलर वगैरह देख रहे हो। जहाँ पे आप शैंडलर देख रहे हो यहाँ पे आपको पंखे मिल जाएंगे और ये छोटी सी स्टोरेज आपकी डाइनिंग में आ जाती है। इसके बाद जैसे हम आगे एंटर करते हैं, 2 बेडरूम हमारे आते हैं। मेरे लेफ्ट में एक बेडरूम है, राइट में एक बेडरूम है और सामने आपका किचन है। अगर हम किचन की बात करें तो ये हमारा किचन है जिसमें कि आप 2 स्लैब्स देख रहे हो। लेफ्ट एंड राइट में स्लैब्स हैं। ये जो आप देख रहे हो ये स्टोरेज के लिए हम बना के देंगे यहाँ पे। जैसे इसमें फ्रिज लगा हुआ है तो आप अपना फ्रिज लगा सकते हैं। इस स्टोरेज में आप अपने ओवन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ इसमें जो आपको इस किचन में मिलने क्या वाला है, इस किचन में आपको ये जो स्टोरेज आप देख रहे हो, ये कैबिनेट हो गया, ये शेल्फें होगी, ये चिमनी होगी, RO हो गया, गीजर हो गया, गैस की पाइपलाइन जो है हमने गैस सिलेंडर बाहर निकाला उसका प्रोविजन भी आपको दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी इस फ्लैट के साथ, इस प्राइस टैग के अंदर। तो ये आपने स्टोरेज देख ली, ये आप देखें, ये सिंपल से ये स्टोरेज होगी। ऊपर ये कैबिनेट है, यहाँ पे भी आप अपना सामान रख सकते हैं। और मैंने एक चीज़ बताई थी, इस फ्लैट की सबसे खास बात था कि फ्लैट बोथ साइड ओपन है। आपने देखा होगा फ्रंट ड्राइंग रूम से भी आपको लाइटिंग ये सामने नज़र आ रहा था और इस किचन से भी आपको ये बालकोनी नज़र आती है। तो यहाँ से भी आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार आप आगे आगे दिखा, ये देखें दोनों साइड ओपन साइट है। यहाँ पे पीछे फैमिली आपकी रह रही है, तो ऐसा नहीं कि रिहाइश नहीं है। इसमें ऑलरेडी काफ़ी फैमिली, 150 फैमिली इन इन पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। तो मूव ऑन करते हैं। तो फाइनली जो मैंने बताया था, ये आपका किचन आ गया। अब किचन के साथ मेरे लेफ्ट राइट में 2 बेडरूम्स है, तो हम पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। ये आपका बेडरूम आ जाता है। इसमें आपको फॉल सीलिंग एज इट इज़ मिलेगी क्योंकि पीछे आगे पीछे दोनों साइड बालकोनी है, तो आपको ओपन विंडो, ओपन लाइटिंग दोनों साइड से रहेगी। ये जो आप अलमारी देख रहे हो या कैबिनेट देख रहे हो, ये आपको एज इट इज़ मिलेगी। इसके साथ ही ये TV पैनल आ जाता है।
ये जैसा आप इंटीरियर देख रहे हो, अगर आप वैसा भी करवाना चाहते हो तो हमारे पास वेंडर अलाइंड है, हम आपको वो सारी फैसिलिटीज़ भी दे सकते हैं। इसके साथ ही अटैच आपका ये वॉशरूम आ गया। वॉशरूम में आपको जो है गीज़र जो लगा लगा है मिलेगा, सारी सैनिटरी जो है वो आपकी कूलर की सैनिटरी है, और इसके अंदर बाकी जो शावर हो गया ये सारा कुछ आपको सैनिटरी का मिले उसका मिलेगा, कूलर का मिलेगा। ये दरवाज़ा भी जो है मैंने देखा था, इसका अच्छी अच्छी क्वालिटी है, थोड़ा हैवी स्टफ है। और इसके साथ ही लेफ्ट के साथ मैंने आपको बताया दूसरा बेडरूम है, इस बेडरूम में भी आप देख सकते हो जो फॉल सीलिंग आपको अटैच जो है वो एज इट इज़ मिलेगी, वॉशरूम आपको अटैच मिल रहा है, सामने स्टोरेज जैसे आप देख रहे हो आपको स्टोरेज एज इट इज़ मिलेगी, और इसके साथ यहाँ पे आपका ये बालकोनी से भी आपका बाहर ओपन एरिया एक्सेस या लाइटिंग यहाँ से आपकी आ सकती है। इसके साथ ये आपके सामने वॉशरूम आ गया, तो तीन बेडरूम है, कोई एडजॉइनिंग वॉशरूम नहीं है, तीनों के साथ अलग अलग वॉशरूम हम इसमें आपको दे रहे हैं। गीजर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिलेगा, ये सैनिटरी जो आप देख रहे हो आपकी जो वैनिटी है, उसके बाद शिंक, क्या ये सारा कुछ आपको कोलर ब्रांड का मिलेगा, टाइल्स भी ऊपर करते हैं। तो ये हमारा हमने देखे दो बेडरूम के साथ दो वॉशरूम। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो वो ये दो बेडरूम के साथ यहाँ पे डाइनिंग के साथ ये आपका थर्ड बेडरूम आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये थर्ड बेडरूम है, इसमें भी आप देखें ये फॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ मिलेगी जैसा आप देख रहे हो। उसके बाद ये स्टोरेज जो है अलमारियाँ हैं, या आप इसको कैबिनेट कह लें, ये आपको एज इट इज़ मिलेगी। तो ये इस बेडरूम के साथ भी हमारा जो है वो बालकोनी अटैच्ड है। एक बार हम चलते हैं, इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारा थ्री टायर जो है आपको ये विंडोज़ मिलेगी, जो कि जिसमें कि मैच डोर होगा, और ये टफन ग्लास है जो कि साउंड प्रूफ है। तो ये हमारा यूपीपीसी का थ्री टायर आपको विंडो हम इस पूरे फ्लैट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बालकोनी आ जाती है, आप देख सकते हो खुले डुले बालकोनी है, दोनों साइड बालकोनी है। इसके सामने आपको वो दिख रहा है वो जो है ये सामने हमारा क्लब हाउस है, जिसमें आपका स्विमिंग पूल भी आपको वहाँ से नज़र आ रहा होगा। इसमें बैंक्वेट हॉल है, आपका जिमनाजियम है, मेडिटेशन सेंटर्स है, वो सारा कुछ हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर इसी क्लब हाउस के अंदर दे रखा है। तो ये हमारा क्लब हाउस आ गया। सो दोस्तों ये था हमारा 3 BHK का फ्लैट, जो कि बेसिकली अगर मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा फ्लैट है। अगर प्राइस टाइप की टैग की बात करें तो जिस हिसाब से इसका साइज़ है उस हिसाब से इसका प्राइस काफ़ी सफिशेंट, ज़्यादा हाई नहीं है। मतलब अगर हम फ्लैट की बात करें 60-90 से हमारा फ्लैट स्टार्ट हो जाता है, टिल 70-90 तक जाता है। थोड़ा सा साइज़ वगैरह का, थोड़ा ऊपर नीचे साइजेस वगैरह होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, इस हिसाब से प्राइस थोड़ा सा वेरी करता है। सो आई होप कि आपको हमारा ये यूनिट पसंद आया होगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको STP प्लांट भी लगा हुआ है, पानी के लिए स्टोरेज है, टैंक भी है, और अपने दो बोरवेल्स भी हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, क्लब हाउस है, गेटेड सोसाइटी है। सो आपको किसी तरह की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। सो अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया और अगर आप इस फ्लैट को बुक करना चाहते हो, हमारे नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, उस नंबर पे आप कॉल करें और जल्द से जल्द अपना ये फ्लैट बुक करें अपने लिए। सो आई होप कि आपको हमारा ये फ्लैट पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इसी जीरकपुर के एडिशन में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।